Assalamu alaikum. This is Arslan Akhtar Wali. I am founder and CEO of Psychology Experts. आज हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनका नाम है कायनात इकराम. शी हैज बीएस ऑनर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, एडवांस्ड डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड शी हैज अदर डिप्लोमाज एज वेल, फॉर एग्जाम्पल इन ब्रीथ एंड हिप्नोथेरेपी. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कायनात, आज जो हम आपसे कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं दैट इज अबाउट टिनिटस, जो कि पाकिस्तान में एक बहुत ही प्रिवेलिंग इलनेस है लेकिन कोई इस पर बात नहीं करता. आज हम अपनी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो कि हमारी गेस्ट भी हैं कायनात इकराम, उनसे पूछेंगे कि ये है क्या. बेसिकली टिनिटस एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट्स को उनके कानों में आवाजें सुनाई देती हैं। रियलिटी में वो चीज़ प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन उनको फिर भी वो आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो क्लिकिंग की हो सकती है, लाइक अगर हम पेंसिल को टिक टिक करें उसकी आवाज़ हो सकती है, या रिंगिंग कोई भी घंटी की आवाज़ हो सकती है, बजिंग जैसे मक्खी की बिनबिनाने की आवाज़ हो सकती है। यानी कि ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, हर पेशेंट का वेरी करता है कि उनको किस तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन ये है कि उनको पेशेंट्स को ये आवाज़ें सुनाई देती हैं उनके कानों में। ये कुछ आवाज़ें एक्सटर्नल भी होती हैं और कुछ आवाज़ें उनकी उनको इंटरनली भी सुनाई देती हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल में अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो एक्सटर्नल में ये है कि जो आवाज़ें एग्जैक्टली मौजूद होती हैं, जो बाकी लोग भी उनके सराउंडिंग्स में जो मौजूद होते हैं वो सुन सकते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स को आवाज़ें सुनाई देती हैं वो मौजूद नहीं होती, यानी कि वो उनकी सिर्फ माइंड की परसेप्शन होती है और उनको वो आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। कायनात, तो हम मजीद ये जानना चाहते हैं कि इसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं ऐसे क्लाइंट को जो कि टिनिटस डील कर रहा होता है, जो सफर कर रहा होता है टिनिटस से. अगर हम साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें तो टिनिटस की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा नफसियाती बीमारियों को नफसियाती मसलों को का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कह लें कि अनईजी हो जाते हैं। लाइक उन्हें लगता है कि हम पता नहीं किस बीमारी में मुबला है जिसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। अगर हम अफेक्टिव डिसऑर्डर्स की बात करें तो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स में जो सा है मेन आता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसमें मरीज जो होता है डिप्रेशन में चला जाता है, उदासी में चला जाता है। उसे लगता है कि मैं इन आवाज़ों की वजह से, वो इतना मतलब अलोन आइसोलेट हो जाता है, अकेला रहने का दिल करता है उसका, किसी के साथ घुलने मिलने को दिल नहीं करता। मतलब उसका उसका ये माइंडसेट हो जाता है कि अगर मैं सबके साथ रहूंगा तो ये आवाज़ें बढ़ जाएंगी या ये शोर मुझे मजीद तंग करेगा, तो वो आइसोलेट हो जाता है, अकेला तनहा रहना पसंद करता है, जिसकी वजह से उसकी ये सिम्टम्स जो है इंक्रीज हो जाते हैं, एग्जेजरेट हो जाते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो डिप्रेशन की का जो कमी है ना, वो टिनिटस के कमी के साथ एसोसिएट करती है। अगर टिनिटस कम होगा तो डिप्रेशन कम होगा, अगर डिप्रेशन कम होगा तो टिनिटस कम होगा, यानी कि ये दोनों चीज़ों की आपस में एक पॉजिटिव तो एसोसिएशन। आप कौन सी साइकोथेरेपी रिकमेंड करती हैं ऐसे क्लाइंट्स के लिए? अगर हम इसके ट्रीटमेंट की साइकोथेरेपी की बात करें तो इसमें हम लोग साउंड थेरेपी के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें हम पेशेंट्स को डिफरेंट साउंड्स के साथ उनको डील करवाते हैं। एक और थेरेपी है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव होता है का मतलब है आपके दिमाग आपकी सोचों से लिंक करना। तो इसमें हम पेशेंट को सिखाते हैं कि वो अपने सोचने के नजरिए को कितना बदल सकते हैं। अदर थेरेपी इज टिनिटस रीट्रेनिंग थेरेपी। टिनिटस रीट्रेनिंग थेरेपी में हम पेशेंट्स को ये रीट्रेन करते हैं कि उन्होंने अपने ब्रेन को इन आवाजों के साथ किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, कि ये आवाजें उन्हें आ रही हैं और उन्होंने अपने ब्रेन को किस तरह से समझाना है कि इन आवाजों को किस तरह रिस्पॉन्ड करें। थैंक यू कायनात. से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कायनात तक हमने कहा कि डिप्रेशन एंड टिनिटस आर डायरेक्टली रिलेटेड. अगर एक चीज कम होगी, अगर टिनिटस कम होगा तो डिप्रेशन भी कम होगा, और अगर आप अपने डिप्रेशन को कंट्रोल कर लेंगे तो आपका टिनिटस भी कंट्रोल हो जाएगा. यू कायनात अकरम, वंस बैक अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग योर वर्दियर एंड वैल्यूएबल टाइम टू साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स. ये मौजूद है।